हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेकाबू अनियंत्रित ट्रेलर ने सड़क किनारे बैठी महिलाओं को लिया चपेट में। दो महिलाओं की मौके पर हुई मौत, पांच महिला हुई गंभीर घायल। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से लाया गया बांगड़ अस्पताल। पाली जिला मुख्यालय के निकट मुख्य नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़िहारी चौराहे के पास एक अनियंत्रित और तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गति से आ रहे इस ट्रेलर की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौके पर मौत हो गई और पांच महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों की सूचना से सिटी एवं सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सूचना से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह और सिटी सीओ भी मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अस्पताल बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां महिलाओं का ट्रोमा वार्ड में उपचार चल रहा है। पुलिस द्वारा उक्त ट्रेलर को जब्त किया गया है और घायल महिलाओं के उपचार में चिकित्सक जुटे हुए हैं। हादसा इतना भयानक था कि महिलाओं की चीखें और पुकार सुनकर आसपास के दुकानदार मौके पर भागे और पुलिस को तत्काल प्रभाव से सूचना दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत प्रभाव के उपचार के लिए बांगड़ अस्पताल भिजवाया गया। जारू टीवी के संवाददाता से पाली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह, इनका कहना है कि क्या घटना, क्या था ये? बिल्कुल दोपहर के समय एलएनटी के कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, अपना काम करने के बाद में लंच कर रहे थे। बिल्कुल साइड में लंच कर रहे थे, ये कोई ट्रोला एम्बुलेंस हुआ है, वहाँ कोई हल्का सा रोड पर जंप भी प्रतीत हो रहा है और इन पर सभी लोगों पर छत पास करते हुए निकल गए, ओवररन करते हुए, जिसमें दो महिलाओं की मृत्यु हो गई है। बाकी अन्य जो हैं, चार लोग घायल हैं, जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।